एक्ट्रेस कंगना रनौत के सोशल मीडिया पर जवाबी हमले के बाद अब कंगना के विरोध में कई सेलेब्स खड़े हो गए हैं, क्योंकि कंगना ने कुछ ऐसा ही कह दिया है जिसके बाद ट्विटर पर सबका गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। दरअसल कंगना ने शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आज़ादी के नारे लगाए गए और अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों लग रही है? कंगना के इसी बयान पर विवाद हो रहा है और सेलेब्स ने मुंबई शहर का सपोर्ट किया है। वहीं कंगना के मुंबई पीओके जैसी फीलिंग दे रहा है वाले बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। रेणुका शाह ने रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर और स्वरा भास्कर समेत कई सेलेब्स ने मुंबई शहर और मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए मुंबई के लिए अपना प्यार जाहिर किया है। उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र भारत का सांस्कृतिक और बौद्धिक चेहरा है, महान शिवाजी महाराज की भूमि है, मुंबई ने करोड़ों भारतीयों को खाना दिया, नाम दिया और शोहरत दी है, सिर्फ एहसान फरामोश लोग ही इसकी पीओके से तुलना कर सकते हैं, #enoughisenough, #आमचीमुंबई, #मुंबई मेरी जान, #जयमहाराष्ट्र। रितेश देशमुख ने लिखा है, मुंबई हिंदुस्तान है। वहीं सोनू सूद ने लिखा है, मुंबई ये शहर तकदीरें बदलता है, सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। और रेणुका शाहने ने लिखा है कि डियर कंगना, एक अभिनेत्री बनने का सपना आपका मुंबई में ही पूरा हुआ है और इस सुंदर शहर के लिए आपसे सम्मान की हम आशा करते हैं। पीओके से मुंबई की घटिया तुलना आप कैसे कर सकती हैं? इस तरह से कई सितारों ने कंगना के भड़काऊ बयान का जवाब देते हुए शर्मनाक बताया है।